नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कॉमेडियन भारती सिंह को ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पति हर्ष से पूछताछ जारी है और उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गिरफ्तार किए गए एक ड्रग पेडलर की निशानदेही के बाद एनसीबी एक्शन में आई और ये पूरी कार्रवाई हुई। ड्रग पेडलर की निशानदेही पर एनसीबी ने भारती सिंह के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। भारती के घर और दफ्तर से कुल 86.5 ग्राम गांजा मिला। इसके बाद एनसीबी की टीम ने भारती सिंह और उनके पति हर्ष को हिरासत में ले लिया है। करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक भारती और उनके पति से एनसीबी ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने ये बात कबूल की कि उन्होंने गांजे का सेवन किया है। गिरफ्तारी के बाद भारती का मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NDPS कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में भारती का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। इस सब के बाद लीगल प्रक्रिया शुरू होगी। अगर आज संभव नहीं हुआ तो कल कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में पेशी होने के बाद एनसीबी को अगर लगेगा तो वो एनसीबी भारती सिंह की रिमांड की मांग कर सकती है। लेकिन अगर एनसीबी को लगेगा कि हमें भारती से और पूछताछ की जरूरत नहीं है तो वो रिमांड की मांग नहीं करेगी। हर्ष को एनसीबी की इको वैन में एनसीबी के दफ्तर लाया गया था। वहीं भारती ने तबीयत ठीक नहीं होने की बात कही थी, इसलिए उन्हें अपनी निजी कार में आने की इजाज़त मिली थी। सूत्रों के मुताबिक आने के बाद भी भारती को आराम दिया गया, फिर उनसे पूछताछ शुरू हुई। उन्होंने बार बार कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एनसीबी ने कहा कि आप सहयोग करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।